अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अभी हम लोग जाने लगे हैं हत्ता में। हमारी अंकल थे, उनकी डेथ हुई थी हफ्ता पहले, मैंने ब्लॉग में बताया था आपको। तो आज उनका 10वें का हत्ता है, मीन्स की उनको हफ्ता हो गया डेथ हुई है, लेकिन आज 10वें का हत्ता में तो आ रहा है आज। तो उधर जाने लगे, साथ में अहमद है और फहद है। वालेकुम सलाम भाई, भैया ना अभी सलाम ले लो, कोई मसला नहीं है। वालेकुम सलाम। हमारे फहद भाई को बहुत ज्यादा जल्दी जाने की, तो चले गए हैं। मैं और अहमद अब इधर ही खड़े हुए हैं। अहमद जो पहले भी होके आया था, लेकिन उधर कोई बंदा नहीं आया था। ऐसी बात है भाई यार, कोई मतलब 5 से 6 बंदे थे उधर, तो मैंने कहा तुम लोगों के पास ही आ जाओ। ऐसी बात है, हम इकट्ठे ही चलेंगे, जरा थोड़ी देर बाद चलेंगे जब थोड़ा रश होगा, क्योंकि 10वें का जो होता है, मैं इन्होंने ना कोई हैवी कोई मतलब कारी शारी बुलाया हुआ है, तो वो उसको आने में देर लगनी है। तो ये कह रहे हैं कि जब असल हिताब शुरू होगा तब हम लोग जाएंगे। तो अभी इधर इधर छांव वगैरह में खड़े हैं, थोड़ी देर बाद ही चलेंगे। पर फहद भाई को ज्यादा जल्दी थी, तो फहद भी जरा थक जाएंगे ना उधर बैठ के थक गया ना उसने, फिर जो है वापस आ जाएगा। ऐसे थकना तो नहीं है, लेकिन ये है कि उधर अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी महफिल स्टार्ट भी नहीं हुई, तो बैठ बैठ के बंदे ने थकना ही है। तो अभी जरा थोड़ा सा ना वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। खत्म जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग जाने लगे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज जो इधर भी होने लगी थी जमात, लेकिन हम लोग इधर नहीं पढ़े, हम लोग मस्जिद में जाके पढ़ने लगे हैं, क्योंकि मस्जिद में ठीक है, उधर आराम से बंदा पढ़ सकता है। माशाल्लाह जी, जवान अपने घर जाते हुए, भाई मस्जिद में क्यों नहीं नमाज पढ़ी? रश बहुत ज्यादा है यार, रश बहुत ज्यादा है। जब भी कहीं महफिल होती है, फिर खत्म होता है ना, तो उधर रश बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन उधर रश बहुत ज्यादा, तो हमने सोचा कि घर में नमाज पढ़ लेते हैं। घर में नमाज पढ़ के उसके बाद फिर ना खत्म वाली जगह में चल जाएंगे। अभी दुआ होनी है, उसके बाद खाने का भी इंतजाम किया हुआ है। नमाज पढ़ के हम लोग आ गए, और अभी इधर जो है नमाज पढ़ाई जा रही है, तो उधर थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद फिर दुआ होगी। हाँ जी, हम लोग घर में पढ़ के आए हैं। आपने किधर पढ़ी है? अच्छा 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 अच्छा, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह खा लिया, तम भी हो गया। अभी हम लोग जाने लगे हैं वापस, जूती ढूंढनी पड़ेगी, जूती नहीं मिल रही है मुझे। खाना खा के जी माशाल्लाह हम लोग आ गए अपनी नहर में। इधर जो है फहद साथ अहमद और हमारे साथ देखा था सेब है। सेब जो है थोड़ा सा गंदा था, तो मैंने कहा था जरा साफ सुफ करके खाएंगे, ये लोग तो ऐसे खा के थे गंदे बच्चे। ओए ओ भाई, यू कह रहा है इसने अपने ये जेब में पहले डाल लिया था कि ये बाद में खाएगा। यार मैंने एक ही सेब लिया था, सही बताओ आप। एक एक सेब, दो सेब लिए थे और 4 केले खाए। यार आपस की बात को नहीं बताते है ना। तो अभी इन्होंने तो गंदे सेब भी खा लिए थे, मैंने जो है एक अपने लिए रखा था, अभी दस से धोती हैं सेब को, उसके बाद खाते हैं मजे से इनके सामने। और सिर्फ एक सेब को साफ करने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, और ये इसके पांव भी दस चुके हैं अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह केब जो अपना साफ हो गया, केब जो अपना साफ हो गया, सेब जो अपना साफ हो गया, अब इसको खाएंगे मजे से इनके सामने। ते ये जो बाकी करके आया गंद, ये क्या है यार? ये तो नहीं, वो पूरे दस चुके पैर, वो देखे सारे अंदर नजर आ रहे। कोई मसला नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हम लोगों ने अपने पाँव नहीं खोए, हमने अपने पाँव गंदे किए, तो कोई मसला नहीं है, धो लेंगे इनको भी। बराबर सेब खाते हैं। ये जो है सेब खाने के चक्कर में जो है अपने पाँव गंदे कर चुका था, अब वो नलके आगे, वो नलके के आगे पाँव धोने जा रहे। पीछे से गहरा वीडियो ना बनाई। सेब इसका इधर ही पड़ा है। फहद इसका सेब किधर है? आहत का सेब किधर है? सेब आहत का, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद की है इसने, उसके पास ही।
सेब भी उसने हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। हाथ सेब दिखाई, वो देखो सेब, सेब भी उसने हाथ ही पकड़ा हुआ, बड़ा तेज है। मैं सोच रहा था तेरा सेब गायब कर ले, मैं सोच रहा था तेरा सेब गायब कर ले हम लोग, पर सेब भी इसने जो है ना जेब में डाल के लेके गया साथ ही। सेब तो ना किसी को देता भाई, इसको बाप लोग के सामने मैं खाऊंगा यार। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हां जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? ये जी हमारे मम्मू यार, आप भी, ये जी उमर भाई, ये हमारे हसन भाई, ये भी हम लोग जाने लगे मामू को छोड़ने के घर में, गाड़ी भी वापस ले आएंगे। हाय, हेलो, ये जी थोड़े से चावल थे, ये भी मामू ने लेके जाने थे। ओके जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबानी, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। दरवाजा बंद करो, शाबाश। ये देखो हरकत है इसकी, देखो छोड़ दो छोड़ दो, ये दोबारा फेंक दो उसको ऐसे। चलो जी अब चलते हैं अंदर, आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर, शाबाश। चलो भाई आप भी अंदर चलो, अभी हम लोग गए थे मामू के पास। लोग नहीं बनाने देना, बाय 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 बाय। सर जी आपने नहीं जाना, आपने नहीं जाना घर, बाय। हसन को भी साथ लेके जाओ, चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मामू को छोड़ के जी हम लोग आ गए हैं, वो जो आउटडोर सिटी गए थे तो वो ना एवरी को ले गए, तुम तो थोड़ा सा काम था, तो वो कह रहे थे कि आज मेरा व्लॉग भी बनाओ और मुझे घर छोड़ के वो एवरी में, तो आज आपने मेरे मामू देख लिए। मेरे दो मामू हैं, एक तो ये वाले थे और एक और है, उनको भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा अगर उनका दिल किया व्लॉग के अंदर आने का। ऐसे नहीं मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब उनका दिल करेगा तब मैं उनको भी दिखाऊंगा। लेकिन आपने आज मेरे एक मामू देख लिए, वैसे मेरे दो मामू हैं। बाकी गाड़ी को जी हम लोगों ने सही सलामत खड़ा कर दिया है इधर, यहाँ से पता लगता है कि जो शीशा है ना ये बंद है, लेकिन भाई साहब ये देखें खुला हुआ शीशा। मुझे गलती लग गई थी कि शीशा जो है ना वो बंद है, ले जी अब बंद हो गया ना, ठीक हो गया। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, जाओ, शाबाश। माशाल्लाह जी चावल की फसल की कटाई का भी काम शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा जो है कट गई है, वहां तक हम लोग हाथ से कटवा रहे हैं। तो जो भाई इसको काट रहे हैं वो ना ये ऊपर दाने हैं ना ये वाले, इनको उतार देंगे, बाकी जो पीछे सारा सामान रह जाएगा ना वो अपने घर ले जाएंगे। हम लोग भी थोड़ा बहुत रखेंगे जितना हमें जरूरत होगी, जितना मतलब हम लोगों ने अपने जानवरों को डालना है, बाकी जो है ज्यादा आप कह लें कि वो भाई लेके जाएंगे जो जो है ना इसी कटाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ काम रह गया, वो भी आज जो है ना मुझे लग रहा है आज ही खत्म हो जाना सारा काम। सिर्फ हमने ये वाली पैली का काम करवाना है, मतलब हाथ से बस इसी पैली की कटाई करवानी है, बाकी जो हमारी अगली जमीने है ना उनको हम लोगों ने हार्वेस्टर से कटाई करवानी है। तो जो अभी थोड़ी देर लगनी है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पैली है ना ये नीचे दस रही है देखे, तो ये भी जगह जो है ना फुल नरम हुई है, जब सेहत होगी तो उसके बाद यहाँ हार्वेस्टर आ सकता है। यहाँ से भाई सब कटाई करके सीधा इसको हवेली में लाया जाता है, हवेली में आपको वो ड्रम नजर आ रहा होगा, उसके जरिए जो चावलों के दाने हैं ना उनको उतारा जाता है, और बाकी जो नीचे वाला सारा सामान रह जाता है ना वो भाई अपने घर ले जाते हैं जानवरों के लिए। दाने तो हमारे हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाला सारा सामान है ना वो फिर भाई अपने घर ले जाते हैं जानवरों के इस्तेमाल के लिए। माशाल्लाह जी ये आज काम हुआ है, जितने भी दाने हैं ना ये आज उतारे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी ये वैसे गीले हैं तो इनको जरा धूप में रखेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। थोड़ा बहुत भूसा भाई सब हम लोगों ने रखा है, इसको भूसा कहते हैं, मतलब दाने शाने इसके ऊपर से उतार दिए चावल के, बाकी बस ये रखा हुआ है जानवरों के लिए ना, जानवरों के खाने पीने के लिए। तो इतना सा बस हमने रखा हुआ है, बाकी जो बाहर पड़ा हुआ है और जितनी भी कटाई हो गई है ना और जितना भी जो दाने उतर गए हैं वो सारा जो है ना वो भाई ले गए हैं जिन्होंने आज कटाई की है और दाने उतारे हैं, तो उनका ही बनता था, बस हम लोगों ने उतना लिया जितना हमारे जानवरों के इस्तेमाल में आना, तो हमारे जानवरों के इस्तेमाल में सिर्फ इतना ही आना था जो कि हम लोगों ने ले लिया। यही था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा अपने लाइक करना, अगर आप चैनल में नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।